हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपके पास में इस तरह की मेल आई है जहां पे लिखा हुआ है क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट, तो भैया ये वीडियो आप पूरी देख लेना, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना तो आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, क्योंकि आपके मेल आईडी के ऊपर यहाँ हुआ है भैया साइबर अटैक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर इस तरह की मेल आपके पास आई है तो यहाँ पे गूगल आपको वॉर्न कर रहा है कि भैया हमारा आपके अकाउंट को किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की थी और हमने उसे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, लेकिन वो बंदा भैया बार बार कोशिश करता रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये मेरा मेल खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेल मेरे पास सेम आई है, पहले 28 अप्रैल, फिर 23 मई और आज फिर 7/1। ठीक है, तो इस मेल को सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ठीक है, इस मेल को सेफ रखने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक एक्टिविटी देखना है। ठीक है, ये करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको कर देंगे क्लोज। रिव्यू एंड सिक्योर, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सस्पिशियस साइन एंड अटेम्प्ट प्रिवेंटेड, यानी आपका जो मेल अकाउंट है वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पे आप करेंगे रिव्यू एंड सिक्योर। ठीक है, सबसे पहले करेंगे रिव्यू एंड सिक्योर। तो जैसे ही आप देखें फिलीपींस लिखा हुआ था भैया, यहाँ पे फिलीपींस से किसी ने मेरी मेल आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करी और मैं रहता हूँ कोटा राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको इस मेल आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको दे देना है। नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि सस्पिशियस अटेम्प्ट टू साइन इन विद योर पासवर्ड, यानी कि सामने वाले को, इसका मतलब यह है भैया कि सामने वाले को मेरा पासवर्ड भी पता है, वो तो गूगल यहाँ पे थोड़ा एक्टिव था, इस वजह से यहाँ पे वो लॉगिन नहीं कर पाया जो भी लॉगिन करना चाहता था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको समझ देनी है। तो यहाँ पे रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी आ रहा है, ये आ गया, मोर एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपकी एक्टिविटी है, इसको छोड़ दीजिए। साइन इन एंड रिकवरी, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है साइन इन एंड रिकवरी के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, कन्फर्म यूअर रिकवरी ईमेल। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपकी रिकवरी ईमेल नहीं डली हुई है तो सबसे पहले आपको रिकवरी ईमेल ऐड करनी है। और जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो रिकवरी मेल है वो कन्फर्म नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ से येस कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिकवरी ईमेल कन्फर्म्ड, हमारी जो रिकवरी ईमेल है वो कन्फर्म हो चुकी है। इसके बाद में नीचे आपको आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वेरिफिकेशन मेथड्स, इसके ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर भी चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे ऐड है या नहीं है, रिकवरी ईमेल आपकी यहाँ पे ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टर्न ऑन एनआर सिक्योरिटी सेफ ब्राउजिंग, इसको छोड़ दीजिए। यूआर डिवाइस नो हार्मफुल ऐप फाउंड ऑन योर एडमिन, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये स्टेप फॉलो कर लेना है आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आपको जाना है बैक। अब आपको यहाँ से आना है आपकी मेल के ऊपर, तो आपकी जब मेल, जैसे कि आप यहाँ पे जब मेल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके प्रोफाइल आइकन के ऊपर, यहाँ से आपको जाना है आपका जो अकाउंट है वो चूज़ कर लेना है, यहाँ से आपको जाना है मैनेज यूअर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी भी आपको दोबारा लिखा हुआ है क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से जाना है पर्सनल इन्फो के ऊपर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुका है, रिकवरी ईमेल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए रिकवरी ईमेल, दोबारा आपको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोबारा लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल वेरिफिकेशन नीडेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल, यहाँ पे आपको जो भी रिकवरी ईमेल डालनी है वो डाल दीजिए, इसके बाद यहाँ से करेंगे आप नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने जो रिकवरी ईमेल डाली है, ठीक है, वहाँ पे एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मेरा पासवर्ड आ चुका है, इसके बाद करेंगे वेरीफाई। मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल ऐड होना बहुत ज़रूरी है, अगर बाय चांस अगर कोई आपका अकाउंट हैक भी कर लेता है या फिर हैक होने वाला हो तो आप इस तरह से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकवरी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर नहीं है तो आप उस अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऐड हो चुका है, तो रिकवरी ईमेल वेरीफाइड फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो हमारा जो रिकवरी ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है, इसके बाद यहाँ से कर देंगे इसको बैक कर देंगे। मोबाइल नंबर अगर ऐड नहीं है तो यहाँ पे फ़ोन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप मेरा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड है,
अगर आपका वेरीफाइड नहीं है, ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, बैक करेंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको आपका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। आप पासवर्ड के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपका पासवर्ड एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा जिसमें न्यूमेरिक भी हो, अल्फाबेटिक भी हो, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी, और कुछ आपके एड्रेस वगैरह या फिर स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, और दोनों को आपको सेम करके आपको चेंज पासवर्ड करना है, और यहाँ पे पासवर्ड आपको चेंज कर देना है, ठीक है। बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद दोबारा जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, यूज़ योर फोन इनटू साइन इन। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन आया है टू स्टेप वेरिफिकेशन, भैया इसको हमेशा आपको ऑन करके रखना है टू स्टेप वेरिफिकेशन को, ठीक है। ऑन नहीं है तो इसको पहले ऑन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे आप गेट स्टार्टेड, पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है टू स्टेप वेरिफिकेशन, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपका मोबाइल यहाँ पे आ चुका है, आपका जो भी मोबाइल का मॉडल नंबर है, अब यहाँ से आप करेंगे सीधा कंटिन्यू। शो मोर ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप जाते हैं शो मोर ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको करना है नीचे सिक्योरिटी की को छोड़ देना है, नीचे आना है टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल, इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसके ऊपर आपका OTP आएगा या फिर वॉइस कॉल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डू यू हैव वांट टू गेट कोड, आपको कोड कहीं से चाहिए, टेक्स्ट मैसेज चाहिए या फोन कॉल से चाहिए, तो यहाँ पे आप कर दीजिए सीधा सा टेक्स्ट मैसेज। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज पे ही रहने देना है, यहाँ से करेंगे आप नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो मोबाइल नंबर है इस पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, नीचे कर देना है आपको नेक्स्ट। अब आपको कर देना है इसे टर्न ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपके पास में इस तरह की मेल आए, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, रिकवरी मेल ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, पासवर्ड चेंज करना है, और साथ ही आपका आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है इसको ऑन करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, ताकि इसका कोई और अल्टरनेटिव हम निकाल सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन पर लगाएं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिस अवेलेबल आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।